नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश एंड वेलकम टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, ईडन गार्डन्स कोलकाता में बना यह खूबसूरत स्टेडियम इंडिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। लेकिन क्या 150 साल से भी ज्यादा पुराना यह स्टेडियम आज भी ICC के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रही है? आखिर क्यों पिछले 5 सालों से यहां कोई भी इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस नहीं खेला गया है? क्यों सौरभ दादा के इस होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स पे सुनील गावस्कर जी ने कभी ना खेलने का कसम खाया था? और हाल ही में इंडिया में खोले गए कुछ नए स्टेडियम्स, जैसे अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुवाहाटी का बर्षापाड़ा स्टेडियम, रायपुर का SV नारायण सिंह स्टेडियम और लखनऊ का इकाना स्टेडियम जैसे लोकेशंस की वजह से क्या BCCI का ध्यान ईडन गार्डन्स को छोड़ के इन नए स्टेडियम्स की ओर ज्यादा शिफ्ट हो रहा है? चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के साथ साथ लेट अस ट्राई टू फाइंड एवरीथिंग अबाउट ईडन गार्डन्स। काफी मेमोरीज दिए कोलकाता ने मुझे। भारत का जो क्रिकेट का मक्का है वो ईडन गार्डन है। ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा जान लेते हैं स्टेडियम के हिस्ट्री के बारे में। ईडन गार्डन्स को सन 1864 में ही एस्टैब्लिश किया गया था। हालांकि इसका नाम कहां से आया वो थोड़ा अनसर्टेन है। काफी लोगों के हिसाब से ईडन गार्डन्स का नाम उस वक्त के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड ऑकलैंड के सिस्टर एमिली ईडन के नाम पे रखा गया है। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि उस वक्त कोलकाता के जमींदार बाबू राजचंद्र दास की बेटी को एक फैटल डिजीज हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए लॉर्ड ऑकलैंड ने जमींदार की मदद की थी। और उनके इसी मदद पे खुश होके जमींदार ने ग्रेटिट्यूड के तौर पर लॉर्ड ऑकलैंड को हुगली नदी के किनारे बसा यह गार्डन गिफ्ट कर दिया। उस वक्त इस गार्डन का नाम था मार बगान, लेकिन बाद में सन 1841 में इस गार्डन का नाम लॉर्ड ऑकलैंड की बहन एमिली ईडन के नाम पे ईडन गार्डन्स कर दिया गया। बाद में सन 1864 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब ने गार्डन के एक तरफ मैच खेलने के लिए परमिशन निकाल लिया। फिर सन 1928 में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन हुआ और उन्होंने यहाँ टेस्ट मैचेस ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। और 5 जनवरी सन 1935 में यहाँ सबसे पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया और उस वक्त ये इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया था। फिलहाल इस स्टेडियम को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इसकी करंट सीट कैपेसिटी 68,000 रखा गया है, जो कि दुनिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाद थर्ड हाईएस्ट है। ईडन गार्डन्स सन 1889 से बंगाल क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड होने के साथ साथ IPL में ये कोलकाता नाइट राइडर्स का भी होम ग्राउंड है। दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि ईडन गार्डन्स को पहले फुटबॉल मैचेस के लिए भी यूज किया जाता था? और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, सन 1977 में यहाँ मोहन बगान और न्यूयॉर्क कॉस्मोस के बीच एक फुटबॉल मैच हुआ था, जहाँ लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर पेले न्यूयॉर्क कॉस्मोस की तरफ से ईडन गार्डन्स पे खेलने आए थे। दोस्तों, इतिहास में बहुत बार ईडन गार्डन्स पे कॉन्ट्रोवर्सी होता देखा गया है और ईडन में क्राउड के मिसबिहेवियर की वजह से बहुत बार BCCI और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को ICC के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। चलिए कुछ इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताया जाए। जैसे सर 1984 में हुई इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच, एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि सुनील गावस्कर थे इंडियन टीम के कैप्टन और सिलेक्शन कमिटी ने फॉर सम रीजन कपिल देव को टीम में इंक्लूड नहीं किया। इसी बात पे ईडन की जनता को आया गुस्सा सुनील गावस्कर के ऊपर। उन लोगों ने स्टैंड से चिल्लाना स्टार्ट किया और इवन सुनील गावस्कर के ऊपर चीजें भी फेंकना स्टार्ट किया। इस इंसिडेंट के बाद सुनील गावस्कर ने ईडन गार्डन्स पे कभी ना खेलने का डिसीजन लिया था। क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मेरे जो मैच विनर है उनको मैं ड्रॉप करूँ? एक और इंसिडेंट हुआ था सन 1996 में। यह था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जो कि हो रहा था ईडन गार्डन्स पे इंडिया और श्रीलंका के बीच। यह लगभग तय हो गया था कि इंडिया मैच नहीं जीत पाएगा। गुस्से में क्राउड ने मैदान में बोतल्स फेंकना स्टार्ट किया और इवन स्टैंड में भी आग लगा दिया। मैच को वहीं पे रोकना पड़ा, पूरे स्टेडियम को खाली करना पड़ा और श्रीलंका को विनर डिक्लेयर करवा दिया गया। उस दिन इंडियन लेजेंड विनोद कांबली अपना आंसू रोक नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि इंडिया के पास अभी भी एक चांस है, लेकिन ईडन की क्राउड ने ऐसा नहीं होने दिया। ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। सिमिलर इंसिडेंट हुआ था सन 1999 में। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। सचिन तेंदुलकर के रन आउट को लोग मानने को तैयार नहीं थे, फिर वही पाकिस्तानी फील्डर्स के ऊपर चीजें फेंका गया। बड़ा शोर मचा और फिर तेंदुलकर का आउट। उस वक्त तेंदुलकर बिल्कुल मेन बैट्समैन थे और फिर उन्होंने पथराव कर दिया हमारे ऊपर और फिर हम भागे और पता नहीं कहां से पत्थर आए उनके पास। सन 2005 में तो ईडन की क्राउड ने इंडिया की जगह साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था।
एक्चुअली उस मैच में लोकल बॉय सौरव गांगुली को टीम से बाहर रखा गया था, जो बात ईडन की जनता को अच्छा नहीं लगा। But in 2005, Eden was not happy that Dada was not playing. उन्होंने उस मैच में इंडिया को सपोर्ट ना करने का डिसाइड किया और इवन इंडियन प्लेयर्स का मजाक भी उड़ाया। दोस्तों ऐसे शर्मनाक घटनाएं हम उम्मीद करेंगे इंडिया में फिर कभी ना हो, क्योंकि इससे सिर्फ एक स्टेडियम की यूजेबिलिटी के ऊपर ही सवाल नहीं आता बल्कि पूरे देश के स्पोर्ट्स कल्चर पे भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों ईडन गार्डन्स 150 साल से भी ज्यादा पुराना है और हमेशा से यह ऐसा नहीं दिखता था। बहुत सारे रिनोवेशंस के बाद ही ईडन गार्डन्स आज जैसा दिखता है। 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया था, इसी के चलते ईडन को 1986 में मॉडर्नाइज किया गया था और इसकी सीट कैपेसिटी को 100,000 तक एक्सपेंड कर दिया गया था, जिसके चलते ये उस वक्त दुनिया का लार्जेस्ट स्टेडियम बन गया था। इसी रिनोवेशन के अंदर स्टेडियम में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीविजन और प्रेस मेंबर्स के लिए नया क्लब हाउस, मॉडर्न सिक्योरिटी, लाइटिंग और डिस्प्ले इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किया गया था। दोस्तों 2011 में जब इंडिया ने एक बार फिर वर्ल्ड कप होस्ट किया तो ईडन को एक बार फिर रिनोवेट किया गया। इस बार ICC के गाइडलाइंस के हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट को इम्प्रूव किया गया और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रख के सीट कैपेसिटी को 94,000 से रिड्यूस करके 68,000 कर दिया गया। लेकिन इस बार यह रिनोवेशन अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके चलते ईडन गार्डन्स पे 27 फरवरी 2011 में होने वाला इंडिया और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया। ये इंसिडेंट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के लिए किसी इंसल्ट से कम नहीं था। अभी हाल ही में 2023 वर्ल्ड कप के दौरान भी ईडन को एक बार फिर रिनोवेट किया गया। इस बार यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया गया और बिना किसी कंट्रोवर्सी के 5 मैचेस ईडन में खेला गया, इंक्लूडिंग 1 सेमीफाइनल। लेकिन इतने रिनोवेशंस के बाद भी ईडन गार्डन्स में फैंस के लिए फैसिलिटीज कम होने का आरोप लगता ही रहता है। यहाँ आज भी स्टैंड्स की क्वालिटी और टॉयलेट्स की क्वांटिटी इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसको लेकर काफी लोगों ने ट्विटर पर BCCI को कंप्लेन भी किया है। दोस्तों 2026 में ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होने जा रहा है और ये तो ऑब्वियस है कि ईडन गार्डन्स में भी कुछ मैचेस खेले जाएंगे। इसी के चलते एक बार फिर यहाँ एक रिनोवेशन प्लान किया गया है। इस बार प्लेयर्स के लिए 2 नए ड्रेसिंग रूम्स बनाने का डिस्कशन किया जा रहा है और सीट कैपेसिटी को भी एक बार फिर इंक्रीज करने का प्लान किया गया है। दोस्तों BCCI कोलकाता को इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए बिड करना चाहता है तो दिसंबर 2025 तक ये रिनोवेशन कंप्लीट करना बेहद जरूरी है। इसको लेकर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है ताकि इस बार कोई इनकम्प्लीट रिनोवेशन का प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों पॉपुलस आर्किटेक्चर को इस रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये एक ऑस्ट्रेलियन डिजाइन फर्म है जो कि इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस्ड है। इन्होंने ऑलरेडी नरेंद्र मोदी स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जैसे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है। लेकिन दोस्तों इस बार भी सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। अभी भी ऑडियंस की फैसिलिटीज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। जैसे मान लो BCCI को इस बात का घमंड है कि इंडिया में हालत भले ही जितना खराब हो, लोग तो मैच देखने आएंगे ही। लास्ट वर्ल्ड कप में इसी ईडन गार्डन्स पर BCCI के ऊपर टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग करने का भी आरोप लगा था। एक फैन ने कोलकाता पुलिस में इसके ऊपर FIR भी दर्ज किया था। लेकिन इन सभी क्रिटिसिज्म्स के बावजूद भी ईडन गार्डन्स हमेशा एक प्रेस्टिजियस और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट क्रिकेट स्टेडियम ही रहेगा और 150 साल से भी ज्यादा पुराना इस स्टेडियम को कंटिन्यूस रिनोवेशंस के जरिए आज भी एक प्रीमियर क्रिकेटिंग वेन्यू के रूप में बनाए रखने की जो कोशिश क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने की है वो काबिले तारीफ है। बाकी आपको क्या लगता है ईडन गार्डन्स के बारे में हमें कमेंट्स पे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।